शांति। आज 12/10/2024 12 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा खिवैया बन आया है तुम सबकी नैया को विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारी नैया को इस पार से, इस कलयुगी दुनिया से, सतयुगी सृष्टि में, पावन सृष्टि में, जहाँ पर सुख की दुनिया में ले जाने। तो बाबा कहें अभी तुम्हें इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सारे एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का कोई भी दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। मीठे शिव बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, सब अपना अपना पार्ट यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहे भक्ति मार्ग भी पास होना है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्कर लगाकर नरक में कलयुग में पहुँचे, कल फिर सतयुग में जाएंगे। फिर बाबा हमारे लिए सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो फिर हम सतयुग में जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अब ये झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो गया है। ये बाबा कहते हैं ये सृष्टि, ये कलयुग अब जड़ जड़ी भूत हो गया, दुखों से भर गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसीलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ भूल बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा, यहाँ के बाबा कहते सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना तो कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसके सामने साइंस भी फेल है। जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान को तीव्र गति से करो। इस शक्ति से 100 का परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, विश्व परिवर्तक बन कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं का परिवर्तन, अपनी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, किसी का भी परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता हमारा परमात्मा शिव बाबा है, उसके साथ हमें भी इस संसार के लिए रहम दिल बनना है और बाबा का सहयोगी बनना है। तो बाबा के सहयोगी बनकर बाबा का इस सतयुगी सृष्टि को स्थापन करने में बाबा के मददगार बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की आत्मा अपनी बुद्धि ने मन को स्थिर करेंगे। आइए शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ
शांति प्रेम आनंद से भरपूर कर रहे हो। चारों ओर इस संसार में शांतियां, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति प्रेम आनंद सुख ज्ञान की किरणों से भरपूर होते जा रहे हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेम मैं बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति।